जानहि राम कुटिल करि मोहि। जानहि राम कुटिल करि मोहि। राम जी भले ही मुझे कुटिल समझे, विश्व इतिहास में खोज के देखी ऐसा प्रेमी मिलेगा नहीं। प्रेम तो बहुतों ने किया पर प्रेमी नहीं मिला, या प्रेमी ने अगर कुछ अपशब्द कह दिए तो मुंह से ही निकल ही पड़ा अरे बहुत निष्ठुर है। ऐसा प्रेम आपको कहीं दिख नहीं सकता विश्व इतिहास में कि भले ही मेरे प्रेमास्पद मुझे कुटिल समझे। जानहि राम कुटिल करि मोहि। जानहि राम कुटिल करि मोहि। केवल राम नहीं, ये सारा संसार मुझे गुरुद्रोही कहे स्वामी द्रोही कहे फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं लोग गुरु साहिब द्रोही, कहूं लोग गुरु साहिब द्रोही। सारा संसार मुझे गुरु द्रोही पुकारे स्वामी द्रोही पुकारे, लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग मुझे बस एक वरदान चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण प्रयाग, सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाए। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। कैसा अद्भुत प्रेम है। चढ़त न चातक चित कब हूं प्रिय पयोधि के दो, ताते प्रेम पयोधि की तुलसी नाप न जो। ताते प्रेम पयोधि की तुलसी नाप। चढ़त न चातक चित कबहूं प्रिय पयोधि। चातक ऊपर की ओर देखता है, बादल से प्रेम करता है ना, ऊपर की ओर निहारता है, बादल से पानी मांगता है और बादल क्या करता है पत्थर बरसाता है। बरसा बरसा के पत्थर चातक के चोंच को तोड़ दिया बादल, छत बिछत हो गया। लोग आए चातक के पास और चातक से कहते हैं तुम्हारा प्रेमी बड़ा निष्ठुर है, तुम कहां बादल से प्रेम करते हो, तुम बादल से पानी मांगते हो पत्थर बरसाता, ऐसे निष्ठुर से क्या प्रेम करना। चातक ने उत्तर दिया भैया तुम समझोगे नहीं, वो बात ये है ना कि वो जो बादल है वो मुझसे विशेष प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है मुझसे, और जो संसार के लोग हैं उनसे वो बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। संसार के लोगों को वो पराया मानता है, मुझे अपना मानता है, तो सोचता है अपनों को तो पत्थर भी बरसाओ तो कोई फर्क नहीं, पर जो पराए हैं भैया वो नाराज हो जाते हैं, अपने नाराज होते नहीं, तो संसार के लोगों को पराया मानता है इसलिए पानी बरसाता है, मुझे अपना मानता है इसलिए पत्थर बरसा देता है। चढ़त न चातक चित कबहूं प्रिय पयोधि के दोष। चातक को कभी बादल में दोष नहीं दिखाई पड़ता, इसी प्रकार प्रेमी को अपने प्रेमास्पद की हर क्रिया में कृपा का अनुभव करना चाहिए।